वार्ता जो हमने बुलाई है वो एक महत्वपूर्ण घोषणा के लिए है। हालांकि आप पहले से जानते हैं, इसके बावजूद ये अनुशासन आप लोग स्वयं ही तय करना पड़ेगा। मैं जो जिस विषय को रखने जा रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा, उम्मीदवार बनूंगा, निर्दलीय उम्मीदवार बनूंगा, वो बहुत बड़ा विषय नहीं है। हर चुनाव में निर्वाचन की घोषणा होने के साथ साथ कई लोग तैयारी शुरू कर देते हैं, टिकट मिलने पर, नहीं मिलने पर, कुछ जिनको अपेक्षा नहीं होती है वो भी मैदान में कूद पड़ते हैं, कुछ नाम के लिए तो कुछ अपना ऐसे ही कोई विरोध जताने के लिए, कुछ किसी और प्रभाव में आकर, कुछ वोट कटवा के रूप में तरह तरह के उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। इसके अलावा डमी कैंडिडेट खड़ा करने की भी प्रथा है। लेकिन मैंने दो तीन विशेष चीज़ों पर ध्यान दिया और समझने की कोशिश की कि क्या एक जागरूक नागरिक, एक जागरूक राजनीतिक कार्यकर्ता और एक जागरूक राजनेता, चूँकि आज के तारीख में मैं एक MLC भी हूँ छपरा से, भारतीय जनता पार्टी का मैं बड़ा ही सक्रिय और अच्छे सदस्यों में गिना जाता रहा हूँ, तो क्या मैं अपनी इन तीनों जिम्मेवारियों को पूरा करने में सक्षम हूँ, क्या कर पा रहा हूँ? तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। मैं अलग कहाँ हूँ भाई? मैं भूल गए थे। मैं जब सवर्णों की बात आई मैंने सवर्ण बन के बात किया, जब बिहारियों की बात आई मैं बिहारी बन के बात किया, गुंजन गंग हत्याकांड को जंगल राज बताने वाला मैं ही हूँ। अब सुन लीजिए, बहुत लोग खराब लगे सुनकर, खासकर जदयू के लोगों को। जदयू ने तय किया कि यहाँ मुझे टिकट न मिले, जदयू के नेतृत्व ने तय किया कि मैं मुझे यहाँ टिकट न मिले। ऐसे दो तीन और नेता हैं जो उस ब्लैक लिस्ट में थे, सम्राट चौधरी, नीतीश मिश्रा, सच्चिदानंद राय, इस्लामपुर के पूर्व विधायक राजीव रंजन, इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, ये कहीं से तय हो चुका था। एक मान के चलिए NDA कोई चला रहा है तो जदयू का नेतृत्व चला रहा है। इसका क्या कारण है सर कि जदयू के कहने पर आपको टिकट भाजपा नहीं देती है? अबे तो भाजपा से पूछिए, भाजपा के नेतृत्व से पूछिए, मैंने तो आरोप लगा दिया। अब नेतृत्व आएगा पूछिएगा कि सच्चिदानंद राय का आरोप है, अभी पूछिएगा। अगर ऐसा नहीं था तो आपके नेतृत्व ने कहा था कि महाराजगंज सीट हम लोग लेंगे और वहाँ से बुनियाद लड़ाएंगे। किसी ने कहा कि आपसे बड़ा चेहरा कौन है, आप ही को लड़ाएंगे? कहाँ चला गया सब? अब आप मुझे नवादा और बेगूसराय दिखाते हैं। किस बिना पे ये आरोप लगा रहे हैं आप? पर प्रत्यक्ष है क्या सम्राट चौधरी को टिकट मिला? क्या उनको खगड़िया से टिकट देने के लिए नहीं मिलाया गया था? क्या नीतीश मिश्रा को टिकट मिला? क्या उनको दरभंगा से टिकट देने के लिए नहीं मिलाया गया था? क्या सच्चिदानंद राय को टिकट मिला जिसे आश्वासन दिया गया था कि महाराज हम लेंगे और आपको देंगे, अगर नहीं मिला तो बात अलग है। सारी बातें सकते हैं। इस्लामपुर के विधायक को भारतीय जनता पार्टी मिलाने के बाद पिछली बार विधानसभा का टिकट नहीं दिया गया था। और ये सब वही है जो मुखर होकर बात करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं ये बिक नहीं सकते, इन्हें दबा नहीं सकते, इनके मुंह में जबान है, बोलेंगे, और जो बोलेगा उसको यहाँ NDA क्रश करेगा।